वेट लॉस करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? सर है ना, मैं खाने पीने में कुछ भी कर लूंगी पर मेरे से वर्कआउट मत करवाओ। इफ यू आर दैट पर्सन, दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज आपको वेट लॉस में हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है। ऑल्सो अगर आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो व्हाट इज दैट बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू टू हेल्प यू लूज वेट। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले है ना, 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं एक्सरसाइज एंड वेट लॉस के रिलेशनशिप के बारे में। ये वीडियो का लेआउट कुछ ऐसे रहेगा। पहले हम जानेंगे कि हमें वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारा वेट लॉस होता कैसे है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फंडामेंटल्स वो सब क्लियर करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि एक्सरसाइज होता क्या, बिकॉज हम सब लोगों का है ना कॉन्सेप्ट गलत है या इनकम्प्लीट है व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और एंड में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ऑल्सो जो शुरुआत में क्वेश्चन था कि क्या वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। चलो पहले डिस्कस करते हैं वेट लॉस। तो हमने मल्टीपल वीडियोस में इसके बारे में बात किया है कि हमारा वजन है ना बिना वजन ही इंक्रीज होता है। हमने जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा कैलोरी, जरूरत से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है और उसको हमने यूज नहीं किया है और वो एनर्जी जाके स्टोर हुई है हमारी बॉडी में एज अ बॉडी फैट। तो हमारा बॉडी फैट इज नॉट दुश्मन, हमारा बॉडी हमारा दुश्मन नहीं है। वो हमारे लिए सोचता है कि भाई ढिमका फलाना इंसान 2 की जगह पे 4 रोटी या 1 बर्गर की जगह पे 4 बर्गर इसलिए खा रहा है बिकॉज उसको फ्यूचर में एनर्जी की जरूरत होगी और अभी वो स्टोर करना चाह रहा है। तो आपने जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम किया और कैलोरी जाके तुम्हारी बॉडी में स्टोर हुई है एज फैट। अभी आपको अगर फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो द ओनली बेसिक सिंपल फंडामेंटल इज कैलोरी डेफिसिट। शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊं तो कैलोरी का घाटा। मतलब हमें फिगर आउट करना है कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए और उसमें से कुछ कैलोरीज कम खानी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक छोड़ा होगा PDEE कैलकुलेटर, मतलब योर कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है वो फाइंड आउट करने का कैलकुलेटर। वो लिंक पे जाओ, अपना डेटा ऐड करो एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। सिंपल डेफिसिट घाटा। लेट्स से आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, आप है ना अप टू 700 कैलोरीज का घाटा ला सकते हो। तो 2000 कैलोरीज चाहिए तो आप 1300 तक जा सकते हो। अभी वो 1300 कैलोरीज कैसे खाने में से लेके आनी है वो अलग टॉपिक है, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, उसके लिए आपको इंडिविजुअल कंसल्टेशन लगेगा मेरे साथ, बट उसके लिए भी आपके लिए सरप्राइज है। तो एंड तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि आप वो आप कैसे कर सकते हो। बट वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट इज मैंडेटरी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, दैट्स अ फंडामेंटल। आप फिगर आउट करो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, उसमें आप 700 कैलोरीज तक का घाटा लाओ। जो घाटा है तुम्हारी बॉडी स्टोर्ड फैट में से निकालेगी, धीरे धीरे आपका फैट बर्न होगा और आपका वेट कम होगा। ये समझ गया तो आगे की बात समझ में आएगी। ये जो कैलोरी डेफिसिट वाला जो फंडा है ना, ये इसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। उसमें सबसे पहले चीज है कि तुम्हारा ये जो कैलोरीज है घाटे वाली कैलोरीज, तुम कहां से ले रहे हो? तुम सिर्फ एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स से ले रहे हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में से ले रहे हो या कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के बैलेंस में से ले रहे हो? अगर तुम एक सोर्स में से लोगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपका कैलोरी डेफिसिट सही से काम नहीं करेगा। तो आप बैलेंस में तो ले रहे हो बट वो बैलेंस क्वालिटी कैसी आ रही है? आप तली हुई चीजें, रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाओगे, बाहर का खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खाओगे, हालांकि तुम कैलोरी डेफिसिट में हो, बट अगर वो सही क्वालिटी का नहीं है तो भी आपका कैलोरी डेफिसिट सही से काम नहीं करेगा। 3, अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं, तो जो कुछ भी तुम खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन ही सही से नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं, तभी भी आपका कैलोरी डेफिसिट सही से काम नहीं आएगा। 4, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो भी आपका वेट लॉस अटक सकता है कैलोरी डेफिसिट के बावजूद। एंड 5 इज योर नींद। अगर आप सही से सो नहीं रहे हो बिकॉज आपका कैलोरी का जो हिसाब किताब है, आपका बॉडी का जो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, सब कुछ होता है जब तुम सोते हो रात को, तो अगर आप सही क्वालिटी ऑफ 6 to 8 hours नींद नहीं ले रहे हो तभी भी आपको दिक्कत हो सकता है। एंड लास्ट एंड द फाइनल वन इज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो बट आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपका कैलोरी डेफिसिट एक पॉइंट पे आके अटक जाएगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा। क्यों? चलो बात करते हैं उसके बारे में। ये पॉइंट है जहां पे हम वेट लॉस से जंप करके आ रहे हैं एक्सरसाइजिंग।
तो एक्सरसाइजिंग का है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को गलत एक्सपेक्टेशन है. वी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग. जब भी एक्सरसाइज की बात आती है ना, तो अपनी आंखें बंद करके सोचो, आपके दिमाग में आएगा एकदम फैंसी टाइट्स या जिम क्लोथ्स पहन के जिम में जाके बड़े बड़े मसल्स बढ़ाने वाले जो बड़े बड़े डंबल्स होते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन्स होती हैं, या कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आता है आपके दिमाग में. आपके दिमाग में आता है वो जो योगा पैंट्स पहन के जो एक्सट्रीम मूव्स कर रहे होते हैं लड़के लड़कियां, वो तुम्हारे दिमाग में आता है स्प्रिंटिंग करना, तुम्हारे दिमाग में आता है एक्सट्रीम वर्कआउट्स, दैट्स देयर, वो भी है. बट एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वो नहीं है. एक्सरसाइज का मतलब है तुम्हारा जो डेली चोर्स है ना, तुम सुबह उठते हो, शाम को, रात को सोने जाते हो, उससे बीच में जो भी मूवमेंट करते हो, उठ के ब्रश करना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ऑफिस जाना, घर का कुछ काम करना, चल के जाके बस स्टैंड पे जाना, ट्रेन स्टेशन, जो भी जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, उसके अलावा कुछ मूवमेंट ऐड करना तुम्हारे रूटीन में. वो सिंपल वॉक भी हो सकता है हाफ एन आवर 45 मिनट्स का, वो कोई स्पोर्ट भी हो सकता है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी योगा, इट कुड बी जुम्बा, इट कुड बी यू गोइंग फॉर अ वॉक विथ योर पेट, यू कुड बी प्लेइंग विथ योर किड्स. अगर आपको जस्ट ऐसे उछल कूद अच्छा लगता है, तो हाफ एन आवर 45 मिनट आपने उछल कूद कर ली, ये सब एक्सरसाइज में आता है क्या, मोर देन योर डेली चोर्स. तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपके रूटीन में डेली है, तो भी वो आपके मूवमेंट या एक्सरसाइज में गिना चाहेगा. तो डोंट थिंक अबाउट एक्सरसाइजिंग एज एक्सट्रीम वर्कआउट्स इन द जिम. वो भी है, अगर आपको जिम में जाके वर्कआउट करना अच्छा लगता है, तो वाई नॉट डू दैट. अगर आपको घर पे HIIT करना या बॉडी वेट वर्कआउट्स करना अच्छा लगता है, तो डू दैट. बट दैट्स नॉट द ओनली वे यू शुड बी वर्किंग आउट. वर्कआउट के अलग अलग और मायने होते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है. दूसरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज वेट लॉस से ज्यादा उसके दूसरे फंक्शंस हैं. सबसे पहला फंक्शन उसमें ये है कि वो आपके हार्ट और लंग हेल्थ को बेटर रखता है. अगर आप वॉक करने जाते हो, आप जॉगिंग करने जाते हो, आप रनिंग करने जाते हो, आप साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका लंग्स हेल्दी रहता है. दूसरा, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, लेट्स से आपने बॉडी वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया है, जिम में जाके आपने वेट लिफ्ट किया, तो आप मसल बिल्ड कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हो. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग विच इज एंटी एजिंग, अगर आपको आपकी एज को धीरे धीरे बढ़ाना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो तुम्हारी बॉडी पे, एंड इट विल कीप यू यंगर फॉर लॉन्गर. So you would see a lot of celebrities like जैसे कि ऋतिक रोशन है, या जॉन अब्राहम है, या शाहरुख खान है, या शिल्पा शेट्टी है, माधुरी दीक्षित है, रेखा है, these all celebrities, they have added resistance training in their routine. Now I know तुम सबके दिमाग में आएगा कि यार ये लोग hormones भी लेते हैं, injections भी लेते हैं. देखो, सबसे पहले हमें पता नहीं है शोर के वो लेते हैं कि नहीं लेते, बट चलो मान लेते हैं आपकी wild theory में कि वो लोग hormones लेते हैं, या injections लेते हैं, या steroids लेते हैं. बट सिर्फ injections लेके और hormones लेके किसी का body अपने आप नहीं बन जाता है. उसके बाद भी तुम्हें जिम में जाके वर्कआउट करना पड़ेगा. यू हैव टू एड डिमांड टू योर बॉडी फॉर दोज हॉर्मोन्स टू वर्क, है ना. तो इट्स इजी फॉर यू टू जस्ट सिट इन योर होम एंड वॉच अ कॉफी विद करण और यूट्यूब वीडियो सेइंग के ये तो यार आमिर खान है, इसने तो स्टेरॉइड लिए. हाँ चलो लिए रहेंगे, बट उसके बाद भी उसको जाके वर्कआउट करना पड़ेगा. दैट यू नीड दैट डेडिकेशन, यू नीड गुड फूड, यू नीड रेस्ट, उसके बावजूद, समझ रहे हो आप. तो एक्सरसाइजिंग कैन हेल्प यू विद बेटर स्ट्रेंथ. तो यू शुड लुक एट एक्सरसाइज नॉट सिर्फ फॉर द वेट लॉस, बट ऑल्सो एज अ एंटी एजिंग टूल, अ टूल टू गेट यू स्ट्रॉन्गर एंड फिटर एंड हैव अ बेटर हार्ट एंड लंग हेल्थ, बिकॉज वो तुम्हारी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखेगा. रही बात वेट लॉस की, तो जब हम कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे थे, लेट्स से आपको 2000 कैलोरीज चाहिए और आपने 300 कैलोरीज कम खाई हैं आपके खाने में से, 300 का डेफिसिट हुआ. व्हाट इफ यू गो टू साइक्लिंग एंड बर्न 300 मोर कैलोरीज? तो आपने खाने में से सिर्फ 300 कम किए, आप खाने में इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आपका कैलोरी डेफिसिट हो रहा है. तो आप कैलोरी डेफिसिट में एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है. दूसरा, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, लिफ्ट, वेट लिफ्ट करके या बॉडी वेट को यूज करके जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आप बिल्ड कर रहे हो मसल्स, और जब मसल बिल्ड होता है, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो रेस्टिंग स्टेज में. पर्सन ए विथ लेस अमाउंट ऑफ मसल, पर्सन बी रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ मसल, दोनों बैठे भी हुए हैं ना, तो भी उनकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए टू सस्टेन, टू लिव.
person with more muscle will burn more calories in comparison to person who has relatively less muscles. Simple logic. इसी logic को आगे बढ़ाते हुए, if you have more muscles, your protein requirement will go higher. अब जब ज्यादा प्रोटीन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाओगे तो प्रोटीन नीड्स मोर कैलोरीज टू डाइजेस्ट, तो आप खाना खाते खाते ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, विच कैन एड टू द कैलोरी डेफिसिट विच इज द फंडामेंटल नीड फॉर यू टू लूज वेट. उसके बाद आता है स्लीप. अगर तुम रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो तो रात को आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, विच इज अगेन अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यू टू लूज वेट ऑन टॉप ऑफ कैलोरी डेफिसिट. जब तुम वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एंडोर्फिन्स आर वन ऑफ द फोर हार्मोन्स, दे मेंटेन योर मेंटल हेल्थ. एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आप अच्छा फील करोगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, वो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा. सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउट, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट. बट मैंने जैसे आपको बोला, एक्सरसाइज को आप वेट लॉस से ज्यादा एक ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट का टूल के तौर पर लीजिए, एंटी एजिंग टूल के तौर पर लीजिए, एंड स्टार्ट वर्किंग आउट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी. अब आप बोलोगे कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और अगर आपको वर्कआउट करने का मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. ट्रस्ट मी, इन दोनों सवालों का जवाब है सेम. द आंसर इज फाइंड योर ओन मोजो. मतलब एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम में जाके वेट लिफ्ट करना नहीं है. आपको मैंने जितने भी ऑप्शंस दिए उनमें से कोई एक चीज पकड़ो एंड फाइंड कि तुम क्या एंजॉय करते हो. अगर लेट्स से स्क्वाट और बर्पीज इज द बेस्ट वेट लॉस एक्सरसाइज, बट तुम उसको एंजॉय नहीं करोगे तो उसको तुम रेगुलरली कर नहीं पाओगे तो आप उसके रिजल्ट्स ले ही नहीं पाओगे. तो हाउ अबाउट यू फाइंड आउट एन एक्सरसाइज, इवन इफ इट इज जुम्बा, बट इफ यू एंजॉय डूइंग जुम्बा एंड इफ यू कैन डू इट एवरी डे, यू विल हैव लॉन्ग टर्म बेटर इफेक्ट्स ऑफ डूइंग जुम्बा देन डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार और वो भी स्पोरैडिकली. सो फाइंड योर ओन मोजो, स्टिक टू इट. And that is the best exercise for you to achieve your health goals. There is no generic universal best exercise. Trust me on this. And this is also going to help you with staying consistent. मेरे पास एक और सरप्राइज है आपके लिए. I have made a detailed video on how to start working out from today. उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. Watch that video. It will help you with step-by-step guide as to how you can start working out from today. Finally, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको calorie deficit के लिए जो help चाहिए वो मैं आपको provide कर सकता हूँ. I offer free 15-minute consultation with my lead nutritionist. So if you want to book one, जल्दी जल्दी description में जाओ. मैंने उनके calendar का link वहाँ पे छोड़ा हुआ है. Steps follow करो, book a session and start working on your health, because working on your health is not rocket science. It's very easy. आपको पता चल जाएगा जब भी आप मेरी team के साथ बात करोगे. कुछ मैंने miss out किया हो, कुछ और सवाल है तो please comments में मुझसे पूछो. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले video में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, because 2024 बहुत जल्दी आने वाला है. और अगर आप ये video 2024 में देख रहे हो और अगर अभी तक आपने अपने health पे काम करना नहीं शुरू किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो. डू इट. मिलते हैं.